सरकार से एक अनुरोध किया गया है कि उसकी बहाली जल्दी से जल्दी अविलंब पूर्ति द्वारा प्रकाशित कर दिया जाए, बस यही एक हमारी जो रोगियों को सेवा करते हैं जो उस सबको छोड़ करके यहाँ बैठ गए। इसमें प्रकाशन होने के समय में अलंकृता पांडे द्वारा रोक लगाई। उस चिकित्सक ने आज पूरे बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये हमारे ही बदौलत, आयुष चिकित्सक के बदौलत चल रहा, चाहे पीएचसी हो, एपीएचसी हो, रेफरल हो, सीएचसी। आश्चर्य की बात है, कम समय में 2.5 लाख टीचर की शिक्षा की व्यवस्था कर ली और ये 3270 टीचर की व्यवस्था 4 साल होने जा रहा है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आप देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर आयुष चिकित्सकों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आपको पहले दिखाते हैं बैनर के माध्यम से कि आप समझ सके कि बीटीएससी में 3270 आयुष चिकित्सकों की लंबित बहाली को जल्द पूरा करने को लेकर यहां पर धरना दिया जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और हाथ में जो बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं उसका कारण पूछेंगे कि आप गर्दनीबाग का रास्ता आपने चुना क्यों? सर, एक बहाली निकली थी आयुष सरकार की, आयुष के लिए 2020 में, जो अभी तक 3270 विद्यार्थियों का चयन नहीं कर पाई है सरकार, और जिसकी मेघा सूची जनवरी में प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन हुआ क्या चीज़ कि यहां से स्वास्थ्य सचिवालय के द्वारा एक लेटर पारित किया गया 11 जनवरी 2024 को और उसको स्थगित कर दिया गया है। उसी के विरोध में, उसी के लिए सरकार से एक अनुरोध किया गया है कि उसकी बहाली जल्दी से जल्दी अविलंब पूर्ति किया जाए। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि आयुष चिकित्सक आखिर होते क्या है, तो एक बता दीजिए कैमरे के माध्यम से कि आखिर आयुष चिकित्सक किसे कहते हैं? जिसमें आयुर्वेदा, जिसमें होम्योपैथी और जिसमें यूनानी सम्मिलित हो, जो कि गांव में, देहात में एडिशनल पीएससी पर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का देसी चिकित्साएं उपलब्ध करवाती है। आपने कहा कि आप ग्रामीण चिकित्सकों में से एक हैं, ग्रामीण नहीं, आरबीएस के एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम है जिसके तहत भी वैन के माध्यम से हर विद्यालय, प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर पे डॉक्टरों की टीम जाती है और बच्चे का स्वास्थ्य जांच करती है, जिसमें कई लाखों बच्चों का हृदय का ऑपरेशन तक करवा दिया गया, विकलांगता का सर्टिफिकेट, विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया गया, और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष चिकित्सक का बैठने की प्रक्रिया रखी गई है। बात कही विकलांगता के बारे में, आप ही के बगल में कुछ लोग धरना दे रहे हैं जो विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, वो धरना 60 दिन से लगातार चलता आ रहा है। आप ही के फील्ड से ग्रामीण चिकित्सक भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी 2 महीने तक धरना दिया था लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ में नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नज़रअंदाज की जाती है इस छोटी छोटी फील्ड को जो बहुत बड़े मायने रखते हैं, तो आपको क्या लगता है आप गर्दनीबाग में बैठेंगे तो आपका धरना पूरा सुना जाएगा? सर, ये सरकार के द्वारा ही 3270 की बहाली 2020 में निकाली गई है, जिसका आयुष चिकित्सक की, जिसका क्या हुआ काउंसलिंग कर लिया गया है, जिसका मेघा सूची प्रकाशित होने वाली थी तब जाके उसको स्थगित किया गया है। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि उन्होंने ही ये वैकेंसी निकाली, काउंसलिंग कंप्लीट है, 2022 में सबकी काउंसलिंग हो चुकी है, मेघा सूची प्रकाशित होने की स्थिति में थी, 15 का जो आश्वासन दिया भी गया था स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा, आश्वासन निरस्ता की और स्थगित कर दिया गया है। इसी के विरोध में, इसी के अनुरोध में ये आयोजन किया गया है। काउंसलिंग करके स्थगित कर देना, ये कहाँ तक सही लगता है कि अगर स्थगित करना तो काउंसलिंग लिए क्यों भाई? काउंसलिंग तो कराया गया था, मतलब आज से विगत 1.5 साल पूर्व काउंसलिंग, हाँ, फरवरी 22 में ही कराया गया था काउंसलिंग के बाद, अभी इतना दिन से यह लंबित है वैकेंसी, 2 साल बाद स्थगित कर दिया गया। स्थगित नहीं किया गया है, वैकेंसी स्थगित नहीं हुई है। इसमें प्रकाशन होने के समय में अलंकृता पांडे द्वारा रोक लगाई गई है अस्थायी रूप से। अभी एक सूत्री मांग को लेकर ही आप लोग यहाँ पे हैं? बिल्कुल, हम लोग एक सूत्री मांग को ही लेकर हैं और हम लोग की नहीं से ये सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जो है वो बीटीएससी के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाए, बस यही एक हमारी मांग है, सरकार से भी यही मांग है। और हम लोग आक्रोशित बहुत हैं कि हम लोग का रिजल्ट, ये सारा चीज़ प्रक्रिया होने के बाद लास्ट मोमेंट में रिजल्ट को रोक के रखा गया है। सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर दें। किन किन जिलों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर? ये पूरे 38 जिले से लोग आए हुए हैं,
पूरे बिहार के 38 जिले से आयुष चिकित्सक जो हैं यहाँ आए हैं, और ये सरकार का जो आयुष चिकित्सक के प्रति जो सौतेलापन व्यवहार है, इससे आक्रोशित है आयुष चिकित्सक। सरकार को आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे जो हम लोग का जो है बहाली अविलंब पूरी करें, नहीं तो हम इससे भी विकराल रूप धारण करेंगे। ये इन्होंने कहा कि विकराल रूप धारण करेंगे। आप लोग चिकित्सक केंद्र से आते हैं, आप लोग शांतिपूर्ण ही करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वेल एजुकेटेड हैं, एजुकेशन लेकर आप लोग आए हैं। मेरा बात यह है कि हम लोग विकराल कैसे कर सकते हैं, हम लोग समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग में हम लोग आते हैं, हम लोग कभी भी विकराल रूप नहीं लेते। विकराल रूप इनका कहने का मतलब कि हम लोग क्लिनिक को छोड़ के जो रोगियों को सेवा करते हैं, जो उस सबको छोड़ करके यहाँ बैठ जाएंगे, ये हमारे लिए विकराल रूप है, न कि वायलेंस, ये सब हमारे लिए नहीं है। हम सरकार से केवल एक ही चीज़ चाहते हैं, जो उन्होंने 3270 की बहाली 2020 में निकाली थी, जिसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, काउंसिलिंग की, कागज पत्र जांच करने की, जो भी प्रक्रिया वाली बात अटका दी गई है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाशित होने में जो समय था उसको लास्ट अंतिम समय में स्थगित रखने का आदेश हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अब गलत यह है कि जब आजकल में प्रकाशित होने वाला था, तो सरकार ने अपना जो स्वास्थ्य विभाग या जो कही है, उन्होंने एक चिट्ठी निकाली कि तत्काल प्रक्रिया से अगले आदेश तक के लिए इस प्रक्रिया को स्थगित कीजिए। अब जिस आधार पर निकाली है वो हम लोग विरोध करते हैं, और चाहते हैं 4 साल में नहीं कर सके आप लोग, जितना जल्दी हो सके कर दीजिए, आज कर दीजिए, कल कर दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सब ऊंचा क्लिनिक छोड़ करके जो सेवा करते हैं समाज का, सेवा छोड़ करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। डॉक्टर साहब प्रकाश डालेंगे, सवाल करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भीख नहीं रोजगार मांग रहे हैं, तो ये जो भीख शब्द है ना, ये बहुत ज़्यादा असर डालता है बिहार के ही बहुत सारे भागों में, स्वास्थ्य भाग की अगर बात करें तो उसमें। ये जो आपने भीख शब्द का बात कहा है, हम लोग पिछले 15 सालों से संविदा पे कार्य करके, और दिन रात चाहे कोरोना का पीरियड रहा हो, चाहे जिस अवस्था में भी रहा हो, आयुष चिकित्सक ने आज पूरे बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये हमारे ही बदौलत, आयुष चिकित्सक के बदौलत ही चल रहा है, चाहे PHC हो, APHC हो, रेफरल हो, CHC हो। और हमें जब देने की बात आती है तो सरकार पीछे हटने लगती है या कोई ना कोई बहाना करके डिले कर रही है। आप बताओ कि यहाँ पिछले 6 महीने में 2 लाख शिक्षकों की बहाली हो जाती है, और हमारी 4 साल से 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली नहीं हो पा रही है। हमेशा कोई ना कोई वैधानिक या विधिवत कुछ प्रॉब्लम कह के हमारे, और आज हमारा मेधा सूची बन चुका है, और सिर्फ इसका प्रकाशन पे सरकार ने एक अपना लेटर निकाल के इस पे रोक लगा दिया। तो हमारा सभी चिकित्सकों का मांग यही है। सवाल तो अपने अंदर होगा ना कि जब रोक लगाना ही था तो काउंसलिंग क्यों कराया भाई? काउंसलिंग क्यों कराया, या ये तो जनहित में है ना कि आपने, आपके द्वारा ही ये निकाला गया है, आपकी कैसी व्यवस्था है कि आप चार साल में भी आप वैकेंसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? ये तो दोष आप पे है। जो चिकित्सक आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी जगह काम कर रहे हैं, और आप उनको नहीं कर पा रहे हैं। दूर गांव में, दूर क्षेत्र में हम ही लोग हैं, हर जगह कोविड में कोरोना में सरकार को पता है कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, गवर्नमेंट को काम किया है, जमीनी स्तर में काम किया। कुछ क्वेश्चन कीजिए। आयुष चिकित्सक ही ऐसी है जो पूरी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था इस पर रुकी हुई है। फ्लड आया है, भीषण फ्लड आया है, भीषण कोरोना 2 साल रही है, पूरी आयुष चिकित्सक तन मन जन से शक्ति से समय से स्वास्थ्य सेवा लोगों को प्रत्येक सुदूर से एरिया पहुँचाते रहे हैं, और उसकी प्रमाणंत बहाली की बात आ रही है, सरकारी कदम उठा रही है, फिर किसी न किसी कारण से लंबे समय से लटकाई हुई है। आश्चर्य की बात है, कम समय में 2.5 लाख टीचर की शिक्षा की व्यवस्था कर ली, और ये 3270 टीचर की व्यवस्था 4 साल होने जा रहा है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। स्वयं निकालती है, स्वयं एक्सटेंशन करती है, इससे हम लोग थोड़ा हतोत्साहित हो रहे हैं। जब मेघा सूची BTS के द्वारा बन गया है तो फिर छोटी सी कारण से इनको स्टेक लगा गया है, ये भी कारण में कोर्ट द्वारा जो GMS की डिग्री की हवाला दे के स्टे किए हैं, वो कोर्ट द्वारा इसका कारण निष्पादन हो चुका है, ये कोई कारण नहीं है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ, जो हमारी लंबित जो सूची है 4 साल से, जो मेगा सूची तैयार होगी BTS में, अविलंब उन्हें ऑर्डर दिया जाए और जल्दी से
रिजल्ट प्रकाशित करके 26 जनवरी को अपने हाथ से सबको ज्वाइनिंग लेटर दें, मैं उसका आभारी रहूंगा। गर्दनी बाग धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद है, आप हमारे पीछे आयुष चिकित्सकों की भीड़ देख सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल से लेकर अब तक ये कार्यरत हैं, लेकिन 11 जनवरी को इनकी रिजल्ट पर रोक लगा दी जाती है, जहां पर एक तरफ सरकार 3 से 4 महीने में 2 बार नियुक्ति पत्र बांटकर लाखों के आंकड़ों में नौकरियां देने की बात कहती है, वहीं पर बिहार में ही उनके खुद के राज्य में जिनके पास नौकरियां हैं उनसे नौकरियां छीनने की भी बात हमें हर वक्त देखने को मिलती है इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक रोजगार के लिए बिहार के लोग ही भीख मांगेंगे और बाहर के राज्यों को रोजगार देने की बात बिहार सरकार करती रहेगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहेंगे 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।